दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के पांचवें चैप्टर जिसका नाम पृष्ठ रसायन है, पृष्ठ रसायन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइड बनाने की विधियां। अभी तक कोलाइड क्या होती है, मिसेल्स क्या होती है, सारी बातें विस्तार से हम लोग समझ चुके हैं। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं अब हमें देखना है कि कोलाइड जो बनाने की विधियां होती है, जो तरीके होते हैं, उसको हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। समझो बाबू इस चीज को ध्यान से। देखो कोलाइड बताए थे कि अन्योन्य क्रिया के आधार पर दो प्रकार के हो जाते हैं, एक द्रव स्नेही हो जाते हैं, क्या होता है, एक द्रव स्नेही हो जाते हैं और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड, चाहे द्रव विरागी कोलाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दो तरह के द्रव स्नेही कोलाइड क्या था, तो इनके आपस में प्रेम था जिसके कारण से कोई अस्थाई कारक की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, मतलब किसी विधि की आवश्यकता इनके बीच नहीं पड़ रही थी बनाने के लिए। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं ना, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इनके बीच कुछ विधियां चाहिए, वही आपको पढ़ना है। यानी अगर देखी जाए तो कोलाइड किनके बीच बनाना है, हमें द्रव स्नेही कोलाइड के बीच नहीं बनाना है, हमें द्रव विरोधी के बीच बनाना है। कोलाइड बनाने की प्रक्रिया समझना है कितनी विधि होती है। द्रव विरोधी के बीच यानी द्रव विरोधी को कोलाइड बनाने की जो प्रक्रियाएं होती है, विधियां होती है, दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। यानी कोलाइड बनाने की दो विधियां, परिक्षेपण विधि और दूसरा संघनन विधि होती है। देखो भाई इसमें क्या होता है, या तो कण बड़ा होगा तो उसको तोड़कर कोलाइड के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या तो कण छोटा होगा तो उसको मिलाकर कोलाइड के कण के रूप में बदल दिया जाएगा। दो तरह की विधियां होती है, एक तो या तो कण छोटा होगा तो मिलाकर बड़ा कर दी जाएगी मतलब कोलाइड कण के रूप में बदली जाएगी, यदि कण बड़ा होगा तो उसको तोड़कर छोटा कर दिया जाता है। यानी द्रव विरोधी कोलाइड के लिए नियम लगाई जाती है, कुछ विधियां पाई जाती है उनको बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो कोलाइड बनाने की दो विधियां, पहला परिक्षेपण विधि, दूसरा संघनन विधि होती है। देखो परिक्षेपण विधि में क्या होता है कि बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार का बना दिया जाता है। कोलाइड कण का आकार बताए थे ना, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलाइड कणों का आकार। कोलाइड कणों का आकार कहां से कहां तक होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कोलाइड कणों का आकार, ठीक है। अब चीज समझो, तो परिक्षेपण विधि में क्या होता है कि जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको तोड़कर छोटा छोटा बना दिया जाता है, और इस प्रकार बना दिया जाता है छोटा कि उनका आकार जो होता है ना वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, यानी वो कोलाइडी कण के आकार के बन जाते हैं। लेकिन जो संघनन विधि होती है, इसमें संघनन का मतलब जोड़ना होगा, छोटे छोटे कणों को कोलाइडी कण के रूप में बदली जाती है, यानी छोटे छोटे कणों को इस प्रकार जोड़ दी जाती है कि ये कोलाइडी कण के आकार के बन जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो परिक्षेपण विधि में दो तरह का विधि पढ़ना है, पहला पढ़ना विद्युत परिक्षेपण विधि या आर्क विधि भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि भी इसको कही जाती है, और दूसरा का पेप्टिकन विधि। यानी परिक्षेपण विधि में दो तरह का विधि पढ़ेंगे, परिक्षेपण विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि, या बोल सकते हैं इसको ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, आर्क का मतलब चिंगारी उत्पन्न करके, और दूसरा पेप्टिकन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिक्षेपण विधि में पहला विधि पढ़ लेते हैं, विद्युत परिक्षेपण और दूसरा का पेप्टिकन। देखो विद्युत परिक्षेपण में क्या होता है, समझो विद्युत परिक्षेपण विधि जो होती है इसमें सिर्फ धातुओं को कोलाइड के रूप में बदली जाती है, जैसे प्लेटिनम हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, मतलब विद्युत परिक्षेपण विधि में क्या होती है, धातुओं को कोलाइड के रूप में बदली जाती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास जिंक है, ये जिंक धातु को हमें क्या बनाना है, कोलाइड बनाना है, तो जिसका कोलाइड बनाना होता है ना उसका 2 इलेक्ट्रोड लेकर चली जाती है, छड़ लेकर चली जाती है, मतलब विलयन में क्या करी जाती है, इलेक्ट्रोड डाल दी जाती है, किसका, जिसका हमें कोलाइड बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल में जिंक का कोलाइड बनाना है तो जिंक के 2 छड़ तैयार करके विलयन में डाल दी जाती है, और दोनों छड़ को हाई वोल्टेज से जोड़ दी जाती है। देखो ये दोनों छड़ जिंक है मान लीजिए, तो ये दोनों छड़ जिंक है, इनको हाई वोल्टेज दिया जाता है। अब देखो जैसे हाई वोल्टेज का मतलब बहुत ज्यादा करेंट, अब जैसे ही इनके बीच हाई वोल्टेज दी जाती है, ससुर ये जो धातु होता है ना, ये जो छर होता है ना, इनका ऊष्मा बनना शुरू हो जाता है। ऊष्मा बनने का मतलब समझो, ऊष्मा बनने का मतलब इनका वाष्प बनना शुरू हो जाता है। अब भाई दिक्कत यहां पर ये हो जाती है कि हमें तो यहां से कण प्राप्त करना है ना, बड़े कण को तोड़ना है, तो यहां से वाष्प बनना शुरू हो जाता है, तो उस वाष्प को फिर से कण के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं इसके बाहरी सतह में क्या करी जाती है, इसकी बाहरी सतह में बर्फ डाल दी जाती है। ये बर्फ क्या करता है पता है, ये बर्फ का काम होता है कि जो कण वाष्पित हो रहा है, जो धातु के कण वाष्पित हो रहा है, उसको खींचकर फिर क्या करना, ठंडा करके कण के रूप में कन्वर्ट करना है। ये जो कण होते हैं ना, छोटे छोटे कणों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही होता है विद्युत परिक्षेपण विधि, कि धातुओं का इलेक्ट्रोड बनाना है, उसको विलयन में डालना है, और उसमें बहुत ज्यादा करंट पैदा करना, मतलब चिंगारी पैदा करना, आर्क, आर्क मतलब चिंगारी पैदा करना है। जैसे ही आप चिंगारी पैदा करेंगे, धातुओं का वाष्पन होना शुरू हो जाएगा, अब उसको फिर से कणों के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसके बगल में एक पात्र लगाते हैं, उस पात्र में पूरी तरह से
बर्फ भर देते हैं। ये बर्फ क्या करता है, वाष्प को ठंडा करके देखो कण के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कण इस प्रकार से होता है कि इनका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो यही होता है विद्युत परिक्षेपण विधि। लेकिन कभी कल एक समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि जो कण होते हैं ना, ये कण कभी कल आपस में मिल जाते हैं। ये कणवा क्या करेंगे, आपस में मिलना शुरू कर दे। तब सोचिए भाई, बात तो वही पड़ गई ना, छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ा गया, लेकिन वो कभी कल क्या होते हैं, कणवा आपस में चिपक जाते हैं, तो फिर वो कोलाइडी कर रूप धारण नहीं कर पाते। इसके लिए क्या करी जाती है कि जो बिलियन पाई जाते हैं ना, बिलियन में या तो NaOH या KOH मिला दी जाती है। ये NaOH देखो, NaOH मान लीजिए कि ये कण हमारा आ गया, ठीक है ना, ये कण है, ये सब कण प्राप्त किया गया। तो इसमें NaOH मिलाने का मतलब हो गया कि जो ये Na+ होता है, जो OH- होता है, इसमें OH कण क्या होता है, OH जो अवयव होता है ना, ये क्या होता है, सारे कण के बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं, सारे कण के बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं, यानी सभी कणों पर माइनस आवेश आ जाते हैं। देखो सारे कणों पर माइनस आवेश आ गया, मतलब ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे। देखो नजदीक एक दूसरे के लोग कब आते हैं, जब उनके बीच आकर्षण होगा। आकर्षण किसके बीच होता है, अलग अलग चार्ज के बीच होता है, अलग अलग आवेशों के बीच होता है। लेकिन यहाँ पर OH जो माइनस कण होते हैं, ये जो OH माइनस जो चार्ज होते हैं, ये सब जाकर क्या होता है, सारे कणों के बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं, अब ये कभी सट नहीं सकते हैं। इसी कारण से इसमें क्या मिला दी जाती है, या तो NaOH मिला दी जाती है, यानी तो कास्टिक पोटास यानी KOH मिला दी जाती है, ठीक है ना। ये था विद्युत परिक्षेपण विधि। देखो विद्युत परिक्षेपण विधि में क्या करी जाती है, धातुओं का क्या बनाई जाती है, धातुओं का कोलाइड बनाई जाती है। कैसे, जिस धातु का हमें कोलाइड बनाना होता है, उस धातु के 2 छड़ लेकर उसको बिलियन में डाल दीजिए। देखो बिलियन में डाल दिया गया, उस छड़ को हाई वोल्टेज से जोड़ दीजिए और बहुत ज्यादा करंट वहां पर पैदा करिए। जब बहुत ज्यादा यहां पर धाराएं प्रवाहित कर जाती है, तो इसी धातु का वाष्पन होना शुरू होता है। अब वाष्पन को रोकने के लिए उसके बाहरी पूरी सतह पर बर्फ भर दी जाती है। ये बर्फ वाष्पन को रोककर उस वाष्पन को कण के रूप में कन्वर्ट कर लेता है और नीचे खींच लेता है। अब ये कण होता है, इन कणों का आकार कोलाइडी कण के आकार के बराबर होता है, यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद कभी कभी समस्या आती है कि कण चिपकने लगते हैं, तो उसको चिपकने से रोकने के लिए इसी बिलियन में NaOH या KOH मिला दी जाती है, यानी अस्थाई गुण रखने के लिए, कणों को अस्थाई रखने के लिए उसमें NaOH या KOH मिला दी जाती है। तो यह समय आगे विद्युत परिक्षेपण विधि है। विद्युत परिक्षेपण विधि में क्या होता है, धातुओं को क्या करी जाती है, कोलाइड के रूप में बदली जाती है। तो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा विधि है पेप्टिकन। देखो पेप्टिकन विधि में ताजा अवक्षेप खोजी जाती है। अवक्षेप क्या होता है ना, अवक्षेप समझ में आती है ना, मान लो किसी बिलियन में कोई कण डाल दिया गया, अब वो कण बिलियन से साफ अलग हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बालू को मैंने जल में डाल दिया, तो बालू घुलने वाला है जल में नहीं, वो बालू अलग हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे AgCl क्या होता है, एक अवक्षेप होता है, समझ में आ रही ना, मतलब वैसे पदार्थ जो बिलियन से अलग हो जाए, वो एकदम पृथक हो जाए, बिलियन के पेंदी में जाकर बैठ जाए, तो वही क्या होती है, अवक्षेप कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, पेप्टिकन विधि में ताजा अवक्षेप हमें चाहिए। उस अवक्षेप को आप जल में मिला दीजिए और उसके बाद उसमें कोई विद्युत अपघट्य मिला दीजिए। विद्युत अपघट्य मिला देंगे तो ये कण आपस में टूटना शुरू होता है, यानी बड़े बड़े कण इसमें टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, इसमें यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई अवक्षेप आ गया, मान लो ये AgCl का आपके पास अवक्षेप है। इस पर पहले Ag पर प्लस आवेश होता है और Cl पर माइनस आवेश होता है। तो ये मान लीजिए कि आपके पास AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग जल में मिला देंगे। इसमें किसमें मिला देंगे, मान लो ये आपके पास एक पात्र है, इसमें क्या भर दिया गया, इसमें जल मिला दिया गया, ये ताजा अवक्षेप है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें मान लो कोई विद्युत अपघट्य, जैसे HCl मिला दिए, या आप मिला सकते हैं AgNO3 मिला सकते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे HCl मिलाएंगे तो HCl का जो कण होता है, जो चार्ज होता है, देखो इसमें विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, जो तोड़ने का काम करे कणों को, टूटने का काम करे, साथ में तोड़ने का काम करे। तो यहाँ पर आपको वैसा विद्युत अपघट्य मिलानी पड़ती है जिसमें से आवेश एक न एक कॉमन होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपका अवक्षेप AgCl का है, तो उसमें आप कुछ ऐसा विद्युत अपघट्य मिलाइए जिसमें उनका कुछ ना कुछ आवेश कॉमन हो। जैसे मैं HCl मिला रहा हूँ, देखो यार H+ आवेश कॉमन है ना दोनों में, या Cl- आवेश कॉमन है, या मान लो कि मैं AgNO3 मिलाऊंगा तो यहाँ पे Ag+ हो जाएगा और NO क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे Ag+ आपस में कॉमन है कि नहीं है, यहाँ देखो Cl- कॉमन है कि नहीं है। कहने का मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव कॉमन होनी चाहिए। विद्युत अपघट्य आपको ऐसा मिलाना है कि उसमें कुछ ना कुछ अवयव कॉमन बननी चाहिए। तो AgCl का अवक्षेप है, तो इसमें मैं अगर HCl मिलाऊंगा तो HCl में आपका Cl कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl कॉमन हो जाएगा। अगर मैं AgNO3 इसमें मिलाऊंगा तो इसमें देख सकते Ag+ कॉमन हो जाएगा, क्योंकि AgCl का अवक्षेप है, तो इसमें विद्युत अपघट्य आपको मिलानी है। तो ऐसा विद्युत अपघट्य मिलाना है कि उसका कुछ ना कुछ कण उस अगले वाले में जाकर मिले, यानी अवक्षेप में मिले। तो HCl मिलाएंगे तो Cl
मिल जाएगा, AgNO3 मिलाएंगे तो Ag+ इसमें जाकर मिल जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, देखो मैंने बता दिया पेप्टिकन में अवक्षेप आपको चाहिए ताजा अवक्षेप, उसमें जल चाहिए और साथ में विद्युत अपघट्य चाहिए। तो विद्युत अपघट्य में ज्यादातर HCl मिलाई जाती है, नहीं तो AgNO3 भी हम लोग मिला सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये आपको अवक्षेप था इसमें ये सब जल भर दिया गया, अब विद्युत अपघट्य डाल दिया गया, मान लो HCl डाल दिया, HCl डाल दिया गया है, तो ये Cl- क्या होता है, ये Cl- तो सेम होता है क्योंकि देखो AgCl का अवक्षेप होता है इसमें Cl- Cl- सेम होता है, इसको हटा दीजिए ये क्रिया नहीं करेगा। लेकिन H+ जो आयन होता है ना ये अलग है, ये अलग है, ये क्या करेगा अवक्षेप के बाहरी सतह पर जाकर चिपक जाता है और इसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। क्या करता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है, क्या करता है छोटे छोटे कणों पर तोड़ दी जाती है। कहने का मतलब क्या है, ताजे अवक्षेप जो होते हैं उसको गर्म करके उसका विद्युत अपघटन करके क्या कर देते हैं तोड़ दी जाती है, और साथ में जैसे ही विद्युत अपघट्य यूज करते हैं तो विद्युत अपघट्य क्या करे इसको तोड़ेगा और इसकी बाहरी सतह पर चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, ताकि ये कण आपस में चिपके नहीं। यहां पर जो H+ आयन होता है इन सभी कणों के बाहरी सतह पर H+ आयन होता है। अब सोचिए H+ आयन है यानी सब पर प्लस आयन है तो ये कभी चिपकेगा नहीं, क्योंकि प्लस प्लस का दुश्मनी होता है, प्लस जब भी चिपकेगा ससुरी माइनस से चिपकेगा, माइनस जब भी चिपकेगा प्लस से चिपकेगा, तो ये होता है ठीक है ना। AgCl, AgCl एक अवक्षेप है, इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ दी जाती है। अब जैसे अवक्षेप टूटता है इनके छोटे छोटे कण चिपक कण चिपकने लगते हैं, उसके लिए विद्युत अपघट्य यूज कर सकते हैं HCl, इसका कण बाहरी सतह पर जाकर चिपक जाती है। यह विधि होती है पेप्टिकन। देखो सिंपल सा अगर बात बताऊं मैं आपको, एकदम सिंपल और नॉर्मली आपको बात बता दूं तो समझना ध्यान से इस चीज को। देखो पेप्टिकन विधि होता है ये अवक्षेप के लिए होता है, अवक्षेप को तोड़ी जाती है यानी जो चीजें अवक्षेप है उसमें जल मिलाकर उसको गर्म करिए, उसके कणों को आराम से क्या करिए आप तोड़िए, और तोड़ने के बाद उसमें विद्युत अपघट्य आप या तो HCl नहीं तो AgNO3 मिला सकते हैं ठीक है ना। तो विद्युत 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 परिक्षेपण विधि धातुओं के लिए अप्लाई होती है, जबकि पेप्टिकन विधि अवक्षेप के लिए अप्लाई होती है। तो ये परिक्षेपण विधि में दो तरह की विधि होती है जो आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। अब पढ़ना संगणन विधि, बता दिया था संगणन विधि में छोटे छोटे कणों को जोड़कर बड़ा कण बनाई जाती है, और बड़ा कण वो उसका आकार लगभग कोलाइड कणों के आकार के बराबर होता है, यानी एक नैनोमीटर से लेकर हजार नैनोमीटर के बीच में इसका आकार होता है। अब देखो आपको संगणन विधियां में चार विधियां पढ़ना, उभय अपघटन विधि, ऑक्सीकरण विधि, उसके बाद अवकरण विधि, और उसके बाद चौथा आपको पढ़ना जल अपघटन विधि। देखो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें मेन चीज यही था। देखो ये जो संगणन विधि होती है इसमें चार तरह की विधियां होती है, इसमें क्या करना छोटे छोटे कणों को जोड़कर हमें बड़ा कण प्राप्त करना है, और जो बड़ा कण होगा उसका आकार कोलाइडिक कणों के आकार के बराबर होना चाहिए। देखो यहां पर छोटा छोटा कण आपस में अभिक्रिया करे क्या रही है, ये जो कण बना रही है इसका आकार क्या है, तो इसका आकार कोलाइडिक कण के आकार के बराबर है। यहां ऑक्सीकरण में देख सकते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं ऑक्सीकरण में या छोटे छोटे कण आपस में मिलकर जो कण बना रहे हैं उसका आकार कोलाइडिक कण के आकार के बराबर होगा। अवकरण में भी वही होता है कि छोटे छोटे कण जो आपस में मिलकर ये जो AU बना रहे हैं, जो आपका AU बना रहे हैं, इसका आकार किसके बराबर होगा, तो इसका आकार आपका कोलाइडिक कण के आकार के बराबर होगा। छोटे छोटे कण मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। जल अपघटन में क्या होता है कि जल अपघटित होता है यानी जल आपस में मिलकर एक कण बनाता है जिसका आकार कोलाइडिक कणों के आकार के बराबर होता है। अब आप समझेंगे उभय विस्थापन का मतलब क्या होता है, उभय अपघटन का मतलब होता है वो अपने कणों का आदान प्रदान करते हैं। देखो यहां पर एस जो है ना ये प्लस कण होता है, ये माइनस होता है, इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो एस किससे, एस से रिएक्शन करेगा। उभय अपघटन चाहे द्वि अपघटन भी इसको कही जाती है, इसमें कण एक दूसरे को कण देते हैं, पहला वाला दूसरे को लेगा, दूसरा वाला पहले को ले लेता है, काम खत्म। यानी यहां पर कणों का ट्रांजेक्शन करके अपना कोलाइड कण बना लेते हैं और उनका आकार कोलाइडिक कणों के आकार के बराबर होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन का निष्कासन होगा या ऑक्सीजन का जुड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ एस क्या था, हाइड्रोजन के संग था, लेकिन एस यहाँ पर अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन के अपन निष्कासन हो गया, मतलब ये कौन सा ऑक्सीकरण हो गया ठीक है ना। अवकरण में क्या होता है कि यहाँ पर अवकरण में हाइड्रोजन का जुड़ा होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो अब सिंपली आप समझेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाबू यहाँ समझो, यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर HCH, यहाँ HCH और यहाँ पर जल। देखो यहाँ पर एक तरह से देखी जाए तो यहाँ जो हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन से क्या होता है मिल जाता है, तब ना जाकर बना HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ाव हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन किसमें हुआ था, ऑक्सीकरण में, लेकिन अवकरण में हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, इस कारण से इसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं या अपचयन अभिक्रिया भी इसको हम लोग कह सकते हैं। जल अपघटन में क्या होता है, जल जाकर जुड़ जाती है। तो ये चार तरह की विधियां होती है। देखो इसमें संग्रहण विधियों में बस मेन यही होता है कि इसमें कणों को जोड़ना है, छोटे छोटे कणों को जोड़ना है, और जो कण बनेगा उसका आकार कोलाइडिक
कणों के आकार के बराबर यानी एक नैनोमीटर से लेकर हजार नैनोमीटर के बीच में होगा उसका आकार। तो संघनन विधि में कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें बस छोटे छोटे कणों को जोड़कर प्राप्त करना है, बड़ा कण का हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो ये आपको विधियां सभी समझ में आ गई होगी, कोलाइड कैसे कैसे बनता है, तो इसमें परिक्षेपण विधि, दूसरा संघनन विधि। परिक्षेपण विधि में दो विधि मेन होती है, विद्युत परिक्षेपण, दूसरा पेप्टिकन। संघनन विधि में क्या होती है, छोटे छोटे कणों को जोड़कर, तो इसमें चार तरह की विधियां आती है, ठीक है ना। तो ये कोलाइड कैसे बनता है, कोलाइड बनाने के तरीके आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।